हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो अपना टॉपिक कंप्लीट करा है वो है दैट इज़ रेस्पिरेशन, और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं। ऑल लिविंग बींग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। और सेल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? सेल्स को सर्वाइव करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन एंड चाहिए न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। तो बेटा ये सेल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेकर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे, और अगर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस CO2, राइट, वाटर, अमोनिया, यूरिया। तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी सारी। तो ये सेल्स में इतने सारे ये चीज़ें प्रोड्यूस होना, ये अमोनिया यूरिया, ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो इन हार्मफुल चीज़ों को बॉडी से रिमूव भी करना है, यानी कि यूज़फुल चीज़ों को सेल तक आना है और हार्मफुल चीज़ों को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास लेकर जाना है। सो दिस इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन, राइट। सो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स, whereas body waste is transported to the excretory organs. So in the complex multicellular organisms like us and even in the plants, right, they have no, हम plants की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर animals की ही बात करते हैं अभी। that in the complex multicellular organisms like animals we have special excretory organs. For example in humans they have kidneys for the excretion. So the transport of the substances like oxygen, water, food, hormones, they occur inside the body of an organism, and this is known as transportation, right? So what is transportation? अब आपको क्लियर होगा, right? Transportation क्या चीज़ है? So substances that move from one place to another with the help of some tissue, this is known as transportation. Clear? So movement of the substances, movement of substances like oxygen, water, food, ammonia, urea, right, and many more. So these things ka beta, in cheezon ka move karna, it is known as transportation. राइट देखो स्टूडेंट्स, पहले देखो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, हमने दोनों ही पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात, राइट। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, बट आपको पता ना ये चीज़ तो प्लांट्स में क्या नहीं होता, प्लांट्स दे लैक इंटरस्टीशियल फ्लूइड। व्हाट इज दिस इंटरस्टीशियल फ्लूइड? बेटा एनिमल्स में ना, जैसे ये सेल्स हैं, देखो ये सेल्स हैं दो, इन सेल्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड वैसे। लेकिन प्लांट्स में ये इंटरस्टीशियल फ्लूइड क्या होता है? एब्सेंट। और इनमें क्या एब्सेंट है? इवन सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, कोई हार्ट नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कोई लिक्विड लिम्फ नहीं है। सो प्लांट्स दे लैक इंटरस्टीशियल सिस्टम, इंटरस्टीशियल फ्लूइड सॉरी, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट बेटा प्लांट्स को भी तो ट्रांसपोर्ट करना है ना, O2, CO2, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत कुछ उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो प्लांट्स जो हैं वो इन सिंपल कंपाउंड्स को लाइक CO2 को, या जो वो अपनी फोटोसिंथेटिक एनर्जी होती है जो अपने लीव्स में स्टोर करके रखते हैं, राइट, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, या उनको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए फूड बनाने के लिए उसको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो कहाँ से मिल जाएंगे? फ्रॉम द सॉइल। लाइक नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। तो प्लांट एब्जॉर्ब तो कर लेगा रूट से, लेकिन उसको ऊपर तक तो पहुँचाने का काम किसका है? दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैं बात करूँगी यहाँ पर पहले प्लांट्स की। तो प्लांट्स दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स। और आपको पता है ये चीज़ बेटा, जो रूट्स होती हैं, सी ये देखो,
रूट के ऊपर, मान लो ये रूट है राइट, रूट के ऊपर यूनिसेलुलर ग्रोथ हुई होती है बेटा सेल्स की, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। दीज आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है ये। एक्चुअली ये रूट की एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशन होती है। ये देखो ये रूट की एपिडर्मिस है, रूट की एपिडर्मिस की एक्सटेंशन वाले सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट हेयर्स। और जो रूट हेयर्स होते हैं ना, बेसिकली दे आर अडेप्टेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, बिकॉज ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज, बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। सो दे आर यूनिसेलुलर एंड दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और एब्जॉर्ब जो वाटर एंड मिनरल्स है बेटा, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। अब हमने देखो रूट्स तक तो आ गए, अब रूट से कहाँ लेकर जाना है, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। राइट, एंड ये रूट से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कैसे जाएगा, येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एंड दैट स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज नोन एज, सो द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा जाइलम इज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर, वेयर एज फ्लोएम इज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ द फूड। सो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। वाइल बेटा जो फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम। सो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क है वो किसका है, जाइलम का। और जो फ्लोएम है उसका काम क्या है, उसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और फूड बनाता कौन है, फूड बनता है इन द leaves, right? So food is formed in the leaves. So water and minerals जो हैं और food ये transport हो जाएंगे। So the transport of बेटा specially मैं आपको बता दूँ, जो transport से food का, food के transport के लिए हम एक special term use करते हैं। क्या use करते हैं, translocation। क्या use करते हैं term, translocation। So translocation is the process of transport of the food from leaves to the other parts of the plant, like root, stem, branches तक जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, translocation, right? So the transport of food prepared in the leaves to other parts is known as translocation. वेयर एज जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की और मिनरल सॉइल्स की, वो कैसे होगी, तो वाटर कैसे मूव करेगा, फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स तक, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा ना, सो दिस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। एसेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सैप। उसको सैप क्यों बोला है, बिकॉज वाटर अकेला नहीं होगा, वाटर प्लस मिनरल्स इकट्ठे जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा अभी कि कैसे होगा। सो बेटा अगर तो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो, जैसे सपोज इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन काफ़ी शॉर्ट हो, तो बेटा फिर कैसे जाएगा, फिर तो बेटा डिफ्यूज़न से भी जा सकता है। सपोज़ ये रूट है और रूट के साथ ही ऊपर बिल्कुल स्टेम शुरू हो जाती है और स्टेम तक चला गया, तो वो कैसे जाएगा, वो डिफ्यूज़न से भी जा सकता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो बेटा डिफ्यूजन से हो सकती है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, मान लो हमने रूट से पहुंचाना है फूड टू द टॉप ऑफ द लीव्स, तो बेटा तब जो है डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, राइट? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है, राइट? बाकी जो एनर्जी नीड होती है दैट डिफर इन बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन है ना, प्लांट्स बेटा मूव ही नहीं करते और उनके पास मोस्टली सेल्स कैसे होते हैं, डेड सेल्स, तो प्लांट्स की तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ही काफ़ी कम होती है, राइट? तो बेटा हम पहले बात करेंगे अब दैट इज़ जाइलम की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज़ द एसेंट ऑफ सैप। Transport of water
एंड मिनरल्स। एसेंट ऑफ सैप, बेटा एसेंट ऑफ सैप कौन करवाएगा? जाइलम। और मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था, जाइलम कैसा टिश्यू है? जाइलम इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बेटा वैसे आपको बता दूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसमें एक तरह के सेल्स नहीं होते बल्कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज़ अ वन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, दिस इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सबसे पहले हम जाइलम की ही बात कर लेते हैं, राइट? तो जो जाइलम है उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं? उसके चार कॉम्पोनेंट्स हैं जाइलम के। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की ट्रेकीड्स, फिर हम बात करेंगे जाइलम की वेसल्स का, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, क्लियर? तो ये देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ अभी जाइलम ट्रेकीड की। ट्रेकीड इज़ लाइक दिस। दिस इज जाइलम ट्रेकीड, राइट? और दिस इज जाइलम वेसल। राइट, पैरेन्काइमा सेल्स तो काफ़ी सिंपल सेल्स होते हैं और फाइबर्स आपको पता ही है काफ़ी हार्ड होती हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए होता है, राइट? और तो हम बात कर रहे थे एसेंट ऑफ सैप की। बेटा मैं आपको बता दूँ, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, आपको याद होगा आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो ट्रेकीड्स होती हैं, ओनली ट्रेकीड्स, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट? वेयर एज जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स। उनमें ट्रेकीड्स और वेसल्स दोनों ही हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स दे बोथ हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। सो इन द फ्लावरिंग प्लांट्स जाइलम वेसल एंड ट्रेकीड्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, बट इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट ट्रेकीड्स आर द ओनली कंडक्टिंग सेल्स, राइट? तो जाइलम वेसल्स कैसी लग रही हैं आपको? इलॉन्गेटेड लग रही हैं बेटा, ये नॉन लिविंग होती हैं, डेड होती हैं ये, राइट? और जैसे ये एक ट्रेकीड पड़ी है ना, ऐसे ट्रेकीड के ऊपर ऊपर ट्रेकीड्स होंगे। जैसे एक ट्रेकीड है मेरा हैंड, फिर एक और ट्रेकीड ऊपर, फिर इसके ऊपर एक और ट्रेकीड। तो इस तरह से ट्रेकीड्स दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, राइट? और जो जाइलम वेसल्स होती हैं ये बेटा, ये कैसे होती है? जैसे पाइपलाइन होती है ना, परफोरेशन, यहाँ पे देखो पोर्स प्रेजेंट हैं, वैसे पाइपलाइन की तरह अरेंज होती हैं वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए। देखो ट्रेकीड्स और वेसल में फ़र्क आपको साफ दिख रहा होगा। ट्रेकीड्स थिन होती हैं और स्पिंडल शेप हैं। बेटा स्पिंडल शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप वो शेप होती है जो एंड से टेपरिंग होती है, थिन होती है और सेंटर से थोड़ी सी ब्रॉड होती है। तो वाटर कैसे फ्लो करेगा ट्रेकीड्स में से? विद द हेल्प ऑफ पिट्स। तो ये क्या है बेटा? पिट्स हैं, तो इनके थ्रू फ्लो करेगा वाटर ट्रेकीड और ट्रेकीड के बीच में। वेसल्स और वेसल्स कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ विद लाइक दैट ऑफ आर पाइपलाइन, राइट? सो मिनरल्स और वाटर जो है बेटा प्लांट्स को चाहिए। तो वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, मैंने बताया था पहले भी। रूट्स के ऊपर क्या होते हैं बेटा? रूट हेयर होते हैं, राइट? रूट हेयर क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल में से। और वो कैसा प्रोसेस होगा? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, राइट? बेटा ऑस्मोसिस एंड मिनरल्स जो हैं वो, देखो वाटर तो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, वाटर एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, बट मिनरल्स, मिनरल्स कैसे होंगे एब्जॉर्ब? मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, राइट? सो ऐसे कैसे ये हो सकता है बेटा मूव? तो बेटा हमें ये पता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। देखो अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और दूसरी जगह, ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बेटा अमाउंट, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में डाली है CUNC। अगर सपोज़ एक साइड वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा और यहाँ पे क्या हो कम, तो बेटा ये ग्रेडियंट सेट हो गया। ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? डिफरेंस सेट हो गया। तो मूवमेंट कैसे होएगी? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स लो,
राइट। तो यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम। तो ये ग्रेडियंट सेट हुआ था, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सो देर इज़ अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, एंड इवन देर इज़ अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स। उसी के कारण ही वाटर और मिनरल्स रूट में एंटर करते हैं, उसी डिफरेंस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए। बट एवरीथिंग वॉन्ट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल्स रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा, और रूट हेयर से कहाँ तक चला जाएगा, जाइलम वेसल तक। जाइलम वेसल से कहाँ तक चला जाएगा, जाइलम वेसल तक जाएगा, बट कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़। अब देखो कैसे मैं बता रही हूँ, मैं रूट की बेटा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखो, ये रूट की मैंने एपिडर्मिस बनाई है, अभी एपिडर्मिस के मैंने हेयर्स को आपको दिखा दिया। ये रूट हेयर हैं, राइट, दिस वन इज़ द एपिडर्मिस। बेटा मैं अभी आपको रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो ये जो सेल्स मैं नीचे बना रही हूँ, ये है रूट की कॉर्टेक्स रीजन। ये भी पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स, दिस वन इज़ अ कॉर्टेक्स रीजन। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, वो कैसी होती है, सी ये मैं बना रही हूँ, ये वाली थोड़ी डार्क बना रही हूँ, देखो दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, ये वाली। इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। और ये क्या थी, कॉर्टेक्स। बाहर क्या थे, रूट है, और ये एपिडर्मिस। और इसके अंदर क्या होती है, एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल लेयर, जिससे साइड रूट्स आती हैं, दिस वन इज़ नोन एज पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के अंदर अब शुरू हो जाएंगे जाइलम फ्लोएम, राइट। तो ये मैंने बंडल्स बनाने शुरू कर दिए, ये है मान लो ऊपर ये जाइलम, ये मैंने एक्स डाल दिया, ये बीच में कैम्बियम होता है जो हीलिंग कराता है और रूट्स को बड़ा बड़ा करा देता है, डायमीटर में ग्रो कराता है। और ये जो नीचे मैं डॉटेड बना रही हूँ, ये है फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम में वाटर एंटर कर जाएगा। देखो कैसे पहले गया रूट हेयर में, रूट हेयर से फिर जाएगा कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा फिर एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा फिर पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल से कहाँ जाएगा फिर जाइलम में। तो दिस इज़ द वे हाउ वाटर विल मूव फ्रॉम रूट हेयर टू द जाइलम। लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि वाटर ऊपर कैसे जाएगा लीव्स तक, राइट। वही तो होते बेटा एसेंट ऑफ सैप, राइट। वो मैं आपको पढ़ाऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो यहाँ तक आज के लिए इतना बहुत है।